वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आईज की वर्किंग एंड मैकेनिज्म ऑफ आईज, यानी वर्किंग ऑफ आईज कैसे होती है और जो इम्पल्सेज होते हैं वो कैसे इम्पल्सेज ब्रेन में पहुंचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ आई। देखिए आईज कैसे वर्क करती है इसके बारे में बताएंगे। सबसे जब भी जब क्या नाम है कोई भी जो लाइट होती है जो अपने उसमें रेटिना पे पड़ती है तो शुरुआत में वो इमेज कैसी होती है, उल्टी इमेज होती है ना, और फिर जब रेटिना पे पड़ती है तो वो फोकस होने के बाद कैसी हो जाती है, वास्तविक। वो उल्टी इमेज होती है जब अपने जो लाइट पड़ी सीधी आइज के ऊपर रेटिना के ऊपर पड़ती है, कॉर्निया से होती हो जाती है। आपको पहले मैं बता चुकी, देखो ये इसमें वापस से दिखा देते हैं कि देखो ये एक सेकंड, ये देखो यहाँ पे जब कोई भी दूर की वस्तु की लाइट है जैसे तो ये जाएगी और जाती हुई फेस पे पड़ेगी, रेटिना पे पड़ती है, अंदर वाली लेयर होती है ना रेटिना उस पर पड़ती है। तो जब रेज एंटर होती है तो उस समय इमेज कैसी होती है, उल्टी इमेज होती है। हमको कैसे दिख, उल्टी इमेज होती है और वास्तविक होती है। बाद में वो इमेज को कैसे कर देता है रेटिना, सीधी कर देता है। ठीक है, तो इस समय जब ये सबसे बाहर वाली लेयर क्या होती है, कॉर्निया, तो कॉर्निया का जो रिफ्रैक्शन होता है वो लाइट को रिफ्रैक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट से, सपोज करें ये इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है तो इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है उसका रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है, कॉर्निया। कॉर्निया लाइट का लगभग कितना रिफ्रैक्शन करता है, 75% लाइट का रिफ्रैक्शन कौन करता है, कॉर्निया करता है। ठीक है, बाकी का जो बचा हुआ रिफ्रैक्शन है वो कौन करेगा, वो जो रिफ्रैक्शन है कौन सा 25%, वो कौन करेगा, लेंस करेगा। ठीक है, तो ये तो क्या बताया था कि अपन ने कि रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो रिफ्रैक्शन कोई भी ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट है ना, और इससे जो लाइट आपके रेटिना में पड़ेगी तो उससे पहले कॉर्निया क्या करता है, उसका रिफ्रैक्शन करेगा। तो कॉर्निया 75% लाइट का रिफ्रैक्शन करता है, बचा हुआ 25% कौन करेगा, लेंस करेगा, है ना। लाइट रिफ्रैक्शन कौन करेगा, लेंस करेगा। अब हम जब इसको पढ़ने से पहले, ये बताने से पहले मैं बता दूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बना, पहले से पहले अपन पढ़ेंगे कि लेंस एक ऐसी चीज है, ये लेंस है ना, लेंस किसके द्वारा लगा हुआ रहता है, लेंस लगा हुआ है सस्पेंसरी लिगामेंट्स के द्वारा, किसे, सीलियरी बॉडी से। ये सीलियरी बॉडी है, ये दिख रहा है ना आपको, ये सीलियरी बॉडी, और ये जो आपको लाइनिंग लाइनिंग दिख रही है, ये जो दिख रही है इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, ये सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये सीलियरी बॉडी है, ऊपर वाला इधर सीलियरी बॉडी, इधर आईज, सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी, तो लेंस एक ऐसा है, क्रिस्टलाइन होता है एक, तो बाई कॉन्वेक्स होता है ना, लेंस कैसा है, क्रिस्टलाइन और बाई कॉन्वेक्स, और लेंस क्या बोलता है, लेंस का कर्वेचर बदलता रहता है। लेंस का जो कर्वेचर होता है वो कर्वेचर आपको परिवर्तन करके, वो अपने लेंस, अपने कर्वेचर को परिवर्तन करके अपनी फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है, लेंस का कर्वेचर में चेंज हुआ, कर्वेचर यानी कर्वेचर का मतलब कभी पास दूर की वस्तु है तो बिल्कुल ये लेंस चपटा रहेगा, और जैसे जैसे पास की वस्तु है तो उसका जो पास में जो ऑब्जेक्ट है तो इसका जो लेंस है वो बाइकॉन्वेक्स हो जाएगा, है ना, तो उसको बोलते हैं कर्वेचर। तो जब लेंस का कर्वेचर चेंज होता है, लेंस के कर्वेचर में चेंज करके उसकी फोकस दूरी, फोकस लेंथ में जो चेंज किया जाता है उसको कहते हैं एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन क्या हुआ, ठीक है, पहले मैं जनरल चीजें आपको बता रही हूँ कि एकोमोडेशन क्या हुआ, एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन क्या है कि जब हम लेंस के कर्वेचर में चेंज करके, लेंस के कर्वेचर को परिवर्तन करके उसकी फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दूर की वस्तु को, देखिए ये दूर की वस्तु और पास की वस्तुओं में क्या होता है कि जब दूर की वस्तु को हम देखते हैं तो देखो जो ऑब्जेक्ट है, दूर की वस्तु को देखते हैं तो ऑब्जेक्ट
से जो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको दूर की वस्तु बोलते हैं, या ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है, तो इससे जो लाइट रेज आती है वो लाइट रेज किस पे पड़ती है, रेटिना पे जाएंगी। तो ये लाइट रेज कैसी जाती है, पैरेलल जाती है, देखिए पैरेलल। और इस समय क्या होता है, सीलियरी बॉडी जो होती है, सीलियरी बॉडी की जो मसल्स होती हैं, ये जो आपको दिख रही है इसकी मसल्स जो होती हैं, वो मसल्स कैसी होंगी इस समय, इसकी मसल्स है ना, इस सीलियरी बॉडी की मसल्स, ठीक है। एक बार मैं आपको उससे भी दिखा दूंगी, सीलियरी बॉडी की मसल्स जो है, ये मसल्स कैसी होती है, ये रिलैक्स होती है। इस समय कैसी होती है, रिलैक्स होती है, यानी शिथिल होती है ना, शिथिल होती है यानी रिलैक्स होती है। और इस समय तो इसीलिए रिलैक्स होगी तो लेंस कैसा हो जाएगा, तो ये जो जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो लेंस को खींचे हुए रहेंगे, तो लेंस कैसा रहेगा, चपटा रहेगा। और इसकी जो फोकस दूरी होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। कब, जब ऑब्जेक्ट हमारी आईज से दूर होता है, तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। क्यों दिखाई देगी, क्योंकि उस समय जो सीलियरी बॉडी की जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स रहती हैं, शिथिल रहती हैं, उनमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। और सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो होते हैं वो लेंस को खींचे हुए रहते हैं, ठीक है ना, लेंस को स्ट्रेच किए हुए रहते हैं। तो लेंस कैसा है, इसमें चपटा है, देखो इसमें गोल दिख रहा है, इसमें लेंस चपटा, तो लेंस कैसा होता है, फ्लैट होता है, आगे समझे। और क्यों, इसमें क्या होता है, फोकस दूरी अधिक होती है, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या होगा, इमेज स्पष्ट दिखाती है। लेकिन जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब पास में होता है, पहले एक चीज मैं तुम्हें पूरा एक बार बता देती हूँ कि जब कोई भी इमेज हमारे क्या नाम है, हमारी आईज पर पड़ती है, किसी भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट हमारी आईज पर पड़ती है, तो उसकी जो इमेज होती है शुरुआत में वो कैसी होती है, उल्टी होती है और वास्तविक होती है। और उसके बाद ऑप्टिक नर्व के द्वारा जब ये हमारे ब्रेन में पहुँचती है तो क्या होती है, वो इमेज कैसी हो जाती है, सीधी हो जाती है और रियल इमेज होती है, ठीक है। अब कॉर्निया क्या करेगा, कॉर्निया जब लाइट की जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट जाएगी उसका रिफ्रैक्शन करेगा, कितना परसेंट करता है, 75% लाइट को रिफ्रैक्ट कर देता है, आगे समझ में। और 25% करता है लेंस। लेंस एक ऐसी चीज है जिसका कर्वेचर हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। लेंस चेंज होता, कर्वेचर चेंज होता है, लेंस क्रिस्टलाइन है, लिविंग है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि लेंस कैसा है, लिविंग है, क्रिस्टलाइन है और बाइकॉन्वेक्स है। अपना कैसा होता है, बाइकॉन्वेक्स होता है, ठीक है। तो जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो क्या होगा, कोई भी पहले एकोमोडेशन पढ़ने की क्या है, एकोमोडेशन का मतलब कि जब लेंस के कर्वेचर को चेंज करके उसकी जो फोकल लेंथ में चेंज आ रहा है, जो फोकल लेंथ चेंज हो रही है, उस फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या करते हैं, उसके परिवर्तन, फोकस दूरी में परिवर्तन लाने की कैपेसिटी, कब, लेंस के कर्वेचर को चेंज करके। जब लेंस का कर्वेचर दूर की वस्तु है तो लेंस आराम से, आप आराम से इजीली देख पा रहे हो, पास की वस्तु है तो आप क्या नाम है, लेंस को थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, यानी ऐसे थोड़ा फैले वो हो जाएगा, कैसा मोटा हो जाएगा पास की वस्तुओं को देखने के लिए। क्यों, क्योंकि सेलियरी मसल्स की, वो अभी बता दूंगी कि उनकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है इसीलिए। तो इनमें जो लेंस का जो कर्वेचर है उसमें उसमें चेंज करके उसकी फोकस दूरी में जो परिवर्तन लाने की कैपेसिटी है, उसकी फोकस दूरी में जो चेंज लाने की कैपेसिटी होती है, उसे हम एकोमोडेशन कहते हैं, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे कि जब अगर क्या नाम सील सामान्य अवस्था में जब नॉर्मल स्टेज होती है, तो नॉर्मल स्टेज के अंदर जब अपन बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, क्योंकि दूर की वस्तुएं देखते रहते हैं नॉर्मल में ना, तो नॉर्मल स्टेज के अंदर जो सीलियरी बॉडी जो होती है, ये दिख रही है आपको सीलियरी बॉडी, ये जो सीलियरी बॉडी है ये कैसी रहती है, इनकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स रहती हैं। सीलियरी बॉडी की मसल्स कैसी रहेंगी, रिलैक्स रहेंगी, ठीक है। सीलियरी बॉडी की मसल्स रिलैक्स रहती है, कब, नॉर्मल स्टेज के अंदर। सस्पेंसरी लिगामेंट लेंस को खींचे हुए रहते हैं, ठीक है। और लेंस कैसा होता है, चपटा होता है। ये कब होता है, बिल्कुल नॉर्मल स्टेज के अंदर होता है, ठीक है। चपटे लेंस की फोकस दूरी, नेचुरली चपटा लेंस है तो इसकी फोकस दूरी कैसी होगी, ज्यादा होती है, ठीक है ना। चपटे लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होगी, इसलिए देखो फोकस लेंथ ज्यादा होती है, फोकस दूरी इसकी देखो कितनी दूर तक जा रहा है, ठीक है ना। ये देखिए ये फोकस होता है, ये फोकस दूरी, ये इसके चपटे वाले लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है। तो कब हुआ, जब हम दूर की वस्तुएं देख रहे हैं, सामान्य अवस्था में देखते हैं, नॉर्मल स्टेज होती है, नॉर्मल स्टेज के अंदर अपना जो सीलियरी बॉडी की मसल्स हैं वो रिलैक्स हैं, लेंस सस्पेंसरी लिगामेंट्स के द्वारा स्ट्रेच है ना,
और रिलायंस कैसा हो जाएगा इस समय, फ्लैट हो जाता है। रिलायंस कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। और ये जो फ्लैट होता है ये किस लिए होता है फोकस जी, ये इसकी इसकी जो लेंस फ्लैट होता है तो इसकी फोकस दूरी, ये जो फोकल लेंथ है ये ज़्यादा होती है। क्लियर है, ये कब है, बिल्कुल नॉर्मल स्टेज में। लेकिन जब हम पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ये देखो ये पास में ये दूर था, तो जब हम पास की वस्तुओं को देखते हैं तो सीलियरी बॉडी की जो मसल्स हैं इन मसल्स में क्या है, इनकी जो मसल्स हैं इन मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ये सीलियरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या हुई है, ये जो मसल्स होती है ये तो कॉन्ट्रैक्ट होगी और ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं ये ढीले हो जाते हैं। तो ढीले हो जाएंगे तो क्या होगा, ढीले जाएंगे तो लेंस कैसा हो जाएगा, लेंस थोड़ा ऐसे, पहले ऐसे था ना लेंस, अब इस तरीके से हो जाएगा लेंस, उभर जाएगा, यानी कहने में राउंड शेप के में हो जाता है, थोड़ा गोल हो जाता है। क्यों, क्योंकि इस समय सस्पेंस के लिगामेंट तो ढीले हो गए, इसको पास की वस्तु को देखना है इसके लिए। और क्या नाम है, इसकी जो फोकस दूरी होती है, फोकल लेंथ होती है, वो देखो यहाँ पर तो ज़्यादा दिख रही है आपको और यहाँ पर फोकल लेंथ इसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये कब होता है, जब हम पास की वस्तुओं को देखते हैं तब। ठीक है, तो क्या नाम है, जब पास की वस्तुओं को देखने के लिए सीलियरी बॉडी की जो मसल्स होती हैं वो कैसी हो जाएगी, जो सीलियरी बॉडी की कौन सी मसल्स होती है बच्चों, ये भी ध्यान रखना, सर्कुलर मसल्स। कौन सी मसल, सर्कुलर मसल। ये सर्कुलर मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, सीलियरी बॉडी तो हो जाएगी, जो सॉरी सीलियरी बॉडी तो हो जाएगी स्ट्रेच, सस्पेंसरी लिगामेंट हो जाएंगे ढीले और लेंस कैसा हो जाएगा, थोड़ा गोल उभर जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यूं था ना तो इस तरीके से उभर जाएगा, आ गया, और फोकल लेंथ हो जाएगी कम। तो इसको बोलते हैं, ये क्या होगा, एक आईज इस तरीके से अपना काम करती, कब, पास की वस्तुओं को देखने के लिए और दूर की, जब दूर की वस्तु को देखेंगे तो लाइट रेज बिल्कुल कैसी आती है, पैरेलल आ जाती है ना, और इस समय लेंस बिल्कुल चपटा रहता है क्योंकि इस समय सस्पेंसरी लिगामेंट कैसे, सॉरी सीलियरी बॉडी जो होती है वो कैसी है, सीलियरी बॉडी की जो मसल्स है वो रिलैक्स है और सस्पेंसरी लिगामेंट उसको लेंस को स्ट्रेच किए हुए रहते हैं और इस समय फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाती है। क्लियर, लेकिन जब हम पास की वस्तु ऑब्जेक्ट से जब लाइट रेज आती हैं, ये देखो ये लाइट रेज जा रही है, जा रही है ना, तो क्या होगा, इसमें जब पास की इमेज से जाती है तो जो सीलियरी मसल्स, जो बॉडी है सीलियरी बॉडी की, सर्कुलर मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। कौन सी मसल्स के अंदर, सर्कुलर मसल्स के अंदर। और जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, कौन सी लिगामेंट, एक सेकेंड, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है, ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं ये कैसे हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे और लेंस उभर जाता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है। तो ये क्या है, वर्किंग ऑफ आई, आईज कैसे वर्किंग करती है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कि इसमें जो, इसी को हम डायग्राम से भी शो करते हैं, दूसरे नेक्स्ट डायग्राम से, है ना, ये देखिए, ये देखिए सीलेरी मसल्स, इसको हम, इसी चीज को मैं आपको डायग्राम से शो कर देती हूँ, ये रिलैक्स है, जब सीलेरी मसल्स रिलैक्स होती है, देखिए ये सस्पेंसरी लिगामेंट क्या कर रहे हैं, लेंस को स्ट्रेच करे हुए हैं, लेंस को स्ट्रेच किए हुए रहते हैं ना, और ये देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये जो प्यूपिल होती है वो कैसी हो जाती है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्यूपिल कैसी होती है, छोटी हो जाती है। इसमें मैं दिखा देती हूँ आपको एक और डायग्राम से, लेकिन इसमें ये बताया कि जब दूर का वो है वस्तु होती है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट दूर होता है तो क्या होते हैं, ये जो सीलियरी मसल्स होती हैं, ये दिख रहा है आपको, ये सीलियरी मसल्स रिलैक्स होती हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स स्ट्रेच किए हुए रहते हैं, लेंस फ्लैट रहता है। क्लियर है, ठीक है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट पास में होगा तो क्या होगा, सीलियरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, देखिए ये सस्पेंसरी लिगामेंट जो आपको यहाँ पर स्ट्रेच दिख रहे थे वो कैसे हो गए, ढीले हो गए, और लेंस देखो यहाँ पर आपको फ्लैट दिख रहा है, यहाँ लेंस कैसा हो गया, राउंडर शेप में हो गया, इस तरीके से हो गया ना। तो ये है वर्किंग ऑफ आईज, ठीक है, क्लियर। अब ओपन पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ आईज, ओके, मैकेनिज्म ऑफ आई, तो एकोमोडेशन आपको समझ में आ गया,
क्या होता है एकोमोडेशन? नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ आईज, ठीक, सॉरी मैकेनिज्म ऑफ आई। मैकेनिज्म कैसे होता है इसका? अपने को मालूम है रेटिना है ना, इनर लेयर कौन सी थी? ये देखिए रेटिना ना, इनर लेयर कौन सी है? ये रेटिना है। और इस रेटिना के ही स्ट्रक्चर बताया था, सबसे बाहर की तरफ फोटो रिसेप्टर पिगमेंट सेल्स थी, पिगमेंट सेल के नीचे मैंने बताया था ये फोटो रिसेप्टर सेल्स है, कौन कौन सी? ये वाली कौन सी है? ये रॉड, ये देखो ये रॉड और ये कोन, रॉड कोन। रॉड कैसी थी? सिलेंड्रिकल शेप की। कोन कैसा था? कॉनिकल शेप का, ठीक है। रॉड्स और कोन्स ये क्या? पिगमेंटेड सेल्स हैं। किसमें? फोटो रिसेप्टर में, तो फोटो पिगमेंट है ना, फोटो पिगमेंट है ये। फोटो पिगमेंट्स कौन कौन से हैं? रॉड्स और कोन्स होते हैं। फोटो पिगमेंट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। इन फोटो रिसेप्टर सेल्स के अंदर, रॉड्स और कोन्स के अंदर फोटो पिगमेंट पाए जाते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? फोटो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और ये जो फोटो पिगमेंट्स होते हैं, इनमें एक तो होती है प्रोटीन, कौन सी? ऑप्सिन, ठीक है। कौन सी प्रोटीन है? ऑप्सिन। अब आपसे कोई पूछे कि ऑप्सिन क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्सिन क्या है। ऑप्सिन एक प्रोटीन है, मेन चीज ये ऑप्सिन क्या है? एक प्रोटीन है, क्लियर, ठीक है। दूसरा क्या होता है इसके अंदर? रेटिनल प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा इसमें रेटिनल प्रेजेंट है। रेटिनल क्या है? ये विटामिन ए का डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? विटामिन ए का, डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का व्युत्पन्न है, डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन ए। इसीलिए तो आपको कहते हैं जब आईज कमजोर होती है तो आपको डॉक्टर सलाह देते हैं ना कि आप विटामिन ए ज्यादा खाइए, गाजर, कैरेट, कैरेट में कैरोटीन होता है, कैरोटीन में क्या है? विटामिन ए। तो ये विटामिन ए के डेरिवेटिव्स हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, किसके हिसाब से कि कौन से फोटो पिगमेंट है या प्रोटो पिगमेंट जो ऑक्सीन है वो किस नेचर का है? तो किस नेचर का है? प्रोटीन नेचर का है। इसी प्रकार से इसमें दूसरा फोटो पिगमेंट कौन सा कि रेटिनल। रेटिनल किसका डेरिवेटिव है? विटामिन ए के एल्डिहाइड का, डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड, ऑफ एल्डिहाइड, ऑफ लिखी देते हो जाना, एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए के एल्डिहाइड का डेरिवेटिव है, ठीक है। एल्डिहाइड का डेरिवेटिव है, व्युत्पन्न या डेरिवेटिव्स, ओके। तो ये तो क्या है? फोटो पिगमेंट। किसमें प्रेजेंट है? फोटो रिसेप्टर सेल। फोटो रिसेप्टर सेल कौन है? कोन्स एंड रॉड्स। रॉड्स सिलेंड्रिकल शेप है, कोन्स कॉनिकल शेप में होती है, ठीक है ना। अब जो प्रोटीन ऑप्सिन है, ये प्रोटीन भी दो टाइप की होती है। एक रोडोप्सिन जो कि किसमें प्रेजेंट होती है? रोडोप्सिन, ये प्रेजेंट होती है रॉड के अंदर। नाम ये रॉड, रॉड में कौन सी प्रेजेंट है? रोडोप्सिन, ठीक है ना। और कोन जो होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती है आयोडोप्सिन। इसमें कौन सी प्रेजेंट है? आयोडोप्सिन, ठीक है। ये विजुअल पर्पल कलर की होती है। कैसी है? पर्पल कलर की। ये वॉयलेट कलर की है। ये कौन सा कलर है? पर्पल, क्लियर है। और ये कौन से कलर की है? वॉयलेट।
वॉयलेट ही लिख देते, वॉयलेट कलर में। ये कौन सा कलर है इसका? वॉयलेट। और इसका पर्पल कलर है। ये कौन सा कलर है? पर्पल कलर की। तो ये दो पिगमेंट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ऑप्सिन जो प्रोटीन है, ऑप्सिन वो कितने प्रकार की है? दो टाइप की। रॉड के अंदर रोडोप्सिन पाई जाती है जो कि विजुअल पर्पल कलर की होती है, और कोन्स के अंदर आयोडोप्सिन होती है जो कि कैसी होती है? विजुअल वॉयलेट कलर की होती है। अब इनका फंक्शन अपन कैसे पढ़ते हैं, कैसे ये वर्क करती है, ये तो मैंने आपको इस डायग्राम से शो किया कि देखो ये फोटोरिसेप्टर सेल है। अब एक चीज़ आप देखना ध्यान से, फिर मैं आपको बताती जाऊँगी। ये जो फोटोरिसेप्टर सेल्स हैं, ये देखिए इधर से शो करती हैं, ये फोटोरिसेप्टर सेल किससे जुड़ी हुई? बाइपोलर से जुड़ी है ना, ये बाइपोलर, ये सब बाइपोलर से, ठीक है। बाइपोलर होती है ना नर्व, आपको पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ स्ट्रक्चर के अंदर कि जो रेटिना के अंदर कौन सी नर्व होती है? बाइपोलर नर्व, यानी जिसमें एक्साइटोन एक तरफ, एक्सोन और एक तरफ डेंड्राइट होता है। बाइपोलर नर्व स्नैप्स के द्वारा किससे जुड़ी हुई रहती है? गैंग्लिया से। और गैंग्लिया के सारे एक्सोन मिलके क्या बनाते हैं? एक ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, ठीक है। वो ऑप्टिक नर्व ब्लाइंड स्पॉट में होती है ना, और वो ऑप्टिक नर्व कहाँ जाती है? ब्रेन के अंदर जाती है। इतना आपको ध्यान आया। अब मैं इसको वापस से बता देती हूँ किसको, कि कैसे विजन कैसे होता है, दिखाई कैसे देता है, मैकेनिज्म ऑफ आई विजन, ठीक है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिज्म ऑफ आई विजन, क्लियर। तो ये देखिए, मैकेनिज्म ऑफ आई विजन कैसे होगा? फोटो पिगमेंट्स के द्वारा। कौन कौन से दो फोटो पिगमेंट्स हैं? रोडोप्सिन वर्क करेगा इसमें, है ना। ठीक है, रोडोप्सिन कैसे वर्क करता है? रोडोप्सिन, ये अपन आज देखते हैं कि रोडोप्सिन कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कि जब कोई भी एक इस वेवलेंथ की जो लाइट रेज होती है वो अपने कॉर्निया से कहाँ पड़ती है? लेंस के ऊपर पड़ती है। जब कॉर्निया, कॉर्निया है ना, कॉर्निया सबसे ऊपर की तरफ होता है, आपको मालूम है कि जो क्या नाम है, सबसे बाहर की लेयर थी स्केलरा, उससे वो क्या है उसकी जो वो क्या नाम है, उससे ही क्या निकलता है कॉर्निया। और कॉर्निया कैसी होती है? जहाँ ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है, इसलिए कॉर्निया को ही ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बार बार रिपीट कर रही हूँ, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, जब कोई भी किसी भी वेवलेंथ की जो लाइट होती है, लाइट रेज होती है, वो अपनी कहाँ पड़ेगी? पहले कॉर्निया, कॉर्निया का रिफ्रैक्शन करेगी, फिर वहाँ से होती हुई कहाँ जाती है? कॉर्निया से होती जाती है रेटिना के ऊपर। रेटिना की आउटर लेयर में क्या प्रेजेंट है? फोटो पिगमेंट्स, है ना। कौन कौन से फोटो पिगमेंट प्रेजेंट है इसके अंदर? तो इसमें मानव में फोटो पिगमेंट्स ऑप्सिन और रेटिनल बना हुआ रहता है, ठीक है। तो किससे बना हुआ रहेगा इसमें? प्रोटीन जो पिगमेंट्स होते हैं ऑप्सिन और रेटिनल, क्लियर। देखो फोटो पिगमेंट्स, एक सेकेंड, फोटो पिगमेंट्स जो हैं ऑप्सिन और रेटिनल, रेटिनल विटामिन एल्डिहाइड, वो विटामिन ए का एल्डिहाइड होता है, ठीक है। अब लाइट ऑप्सिन से क्या करेगा? देखिए ये देखो, एक सेकेंड, ये फोटो पिगमेंट्स है, क्लियर। कौन सा? रोडोप्सिन, ठीक है, ये रोडोप्सिन है, क्लियर। ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कब? जब लाइट रेज पड़ती है, तब जब लाइट आ रही है, फोटो लाइट आती है ना, यहाँ से जब लाइट आ गई, सपोज करो ये लाइट आई है यहाँ, ठीक है, ये लाइट आ रही है यहाँ। तो जब लाइट आती है तो रोडोप्सिन जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कौन सा? ऑप्सिन और रेटिनल, क्लियर है। किसमें टूट गया? ऑप्सिन और रेटिनल के अंदर टूट जाता है। ऑप्सिन और रेटिनल में चेंज हो जाएगा, यानी ये क्या करेगा? ऑप्सिन ये दोनों मिलकर के मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में चेंज कर देते हैं। इसकी मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इसके अंदर, उसकी परमेबिलिटी में चेंज कर देते हैं, झिल्ली की परमेबिलिटी में चेंज ऑफ दी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी,
पारगम्यता या परमेबिलिटी में चेंज कर देगा। अब परमेबिलिटी में चेंज कर देता ना, जैसे कैसे करेगा, कब, जब लाइट रेज आई, लाइट रेज जब फोटो पिगमेंट पे पड़ी, ये देखो ये दोनों फोटो पिगमेंट पे जब लाइट रेज पड़ेगी तो ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट था वो टूट गया, किसके अंदर, ऑप्सिन और रेटिनल के अंदर, आ गया ना, किसमें टूटा, ऑप्सिन और रेटिनल, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ऑप्सिन और रेटिनल ये दोनों आपस में क्या टूट जाते हैं, ठीक है। तो जब ये टूट गए तो क्या होगा, ये मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में चेंज ला देते हैं। किसकी परमेबिलिटी में चेंज लाएंगे, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी के अंदर चेंज। एक चीज हमेशा याद रखो कि कभी कई बार जब तुम जाते हो पिक्चर हॉल के अंदर तो क्या होगा, जब लाइट होती है ना तो लाइट के अंदर रोडोप्सिन टूट जाता है, किस में टूट जाता है, ऑप्सिन के अंदर, और इस ऑप्सिन को हम इसको टॉप्सिन भी कहते हैं, और रेटिनल में टूट जाता है। लेकिन जब हम अंधेरे, लाइट से अंधेरे में जाते हैं, जैसे आप पिक्चर हॉल में जाते हो तो आपको कुछ देर तक दिखाई नहीं देता, क्यों नहीं दिखाई देता, कि ये जो दोनों ब्रेक डाउन हुए थे ये दोनों वापस से रीजनरेट हो जाते हैं, ये दोनों आपस में जुड़ के फिर से क्या बनाते हैं, रोडोप्सिन बनाएंगे। तो जब ये आपस में रोडोप्सिन बनाएंगे तब उसको बनने में जो सिंथेसिस होने में इसके जो टाइम लगता है उसके कारण हमको 2-3 मिनट तक दिखता नहीं, 2-3 मिनट बाद दिखाई देने लगता है, तो वो इसीलिए होता है। तो क्या हुआ इसमें, अब अपन देख रहे विजन कैसे होता है, विजन के समय कोई भी लाइट रे जब, सॉरी, जब लाइट रे जाती है, आदत पड़ गई ना, तो जब कोई भी लाइट रे जाती है तो क्या होगा, ये लाइट रेज किस पे पड़ी, अपने रेटिना पे पड़ती है, रेटिना पे क्या प्रेजेंट है, फोटो रिसेप्टर सेल है, उन फोटो रिसेप्टर सेल में फोटो पिगमेंट है, कौन से फोटो पिगमेंट है, रोडोप्सिन, रोडोप्सिन किस में टूट जाता है, ऑप्सिन और रेटिनल के अंदर टूट जाएगा, क्लियर है। अब क्या हुआ, जब ये ऑप्सिन और रेटिनल के अंदर टूट जाता है तो इसमें क्या होता है कि जब इनमें होगा तो ये क्या करेगा, जो लाइट्स ऑप्सिन से रेटिनल के अलगाव को अलग कर रहा है, इनको दोनों को अलग कर दिया, और अलग करने से क्या होगा, इस ऑप्सिन की स्ट्रक्चर में चेंज आता है, ऑप्सिन में चेंज आता है और इसकी परमेबिलिटी में भी चेंज आ जाता है, किसकी, ऑप्सिन की, ऑप्सिन की परमेबिलिटी में चेंज आ जाता है, जिससे क्या होगा, अब जो एक पोटेंशियल जनरेट होता है, जैसे कि आप पढ़ते थे ना जब नर्व की इम्पल्सेस जा रही थी कि कौन सा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और वो पोटेंशियल क्या करेगा, बाइपोलर में जाएगा, बाइपोलर से फिर कहाँ आएगा, गैंग्लियंस में जाएगा, और गैंग्लियन की जो सेल्स हैं, कौन सी सेल है ये, क्या नाम, गैंग्लियन के सारे एक्सोन मिलके क्या बनाते हैं, ऑप्टिक नर्व। तो ये क्या हुआ है, इसने परमेबिलिटी में चेंज किया, और ये परमेबिलिटी में चेंज होगा तो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और ये क्या करेगा, ये फोटो रिसेप्टर सेल से जाएगा बाइपोलर में, कहां जाएगा, बाइपोलर नर्व में, बाइपोलर से, बाइपोलर के बाद ये जाएगा गैंग्लियन, क्योंकि बाइपोलर देखो किससे, सिनेप्स के द्वारा किससे जुड़ी हुई है, गैंग्लियन से, तो गैंग्लियन में, ठीक है, और गैंग्लियन फिर क्या करेगी, ये जो गैंग्लियन के क्या है, एक्सोन, वो एक्सोन क्या बनाते हैं सारे मिलकर के, ये बनाते हैं ऑप्टिक नर्व, ठीक है, और ये जो ऑप्टिक नर्व है ये कहाँ चली जाएगी, ब्रेन, मस्तिष्क में, ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, और फिर ये इम्पल्स क्या करेगी, इमेज को सीधा कर देगी और हमको दिखने लगेगा। तो ये समझ में आया आपको, ये होता है मैकेनिज्म ऑफ आई का विजन, विजन कैसे होता है। तो विजन कैसे हुआ, लाइट रेज हमारे पर आईज में पड़ेगी तो हमारा जो रोडोप्सिन पिगमेंट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसमें टूट गया, ऑप्सिन और रेटिनल में, ऑप्सिन में क्या होगा, चेंजेस लाते हैं ऑप्सिन की, जिसमें ऑप्सिन में चेंज होने लगता है और इसकी मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी होती है वो चेंज हो जाती है। जब मैं केवल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ, इससे बढ़िया तो बहुत है, क्योंकि ये क्या चेंज आता है, वैसे सिस से
ट्रांस में चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर इतना पूरा मैं बता देती डायग्राम से, लेकिन वो आपके एनसीईआरटी के कोर्स में नहीं है, इसीलिए जितना एनसीईआरटी में उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रही। तो इसने क्या किया कि मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में चेंज ला दिया। मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में चेंज हुआ तो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, और उस एक्शन पोटेंशियल ने क्या किया, बाइपोलर नर्व को स्टिमुलेट किया, है ना। बाइपोलर नर्व ने क्या किया, बाइपोलर नर्व से फिर ये गए कहाँ, बाइपोलर नर्व किसके द्वारा, स्नैप्स के द्वारा, किससे जुड़े हुए, गैंग्लियन से, गैंग्लियन के सारे एक्जॉन देखो लिखा ना बाइपोलर, फिर गैंग्लियन में स्नैप्स के द्वारा जुड़े हुए थे ना, और फिर गैंग्लियन के जितने भी एक्जॉन थे वो सारे आपस में मिलके क्या बनाते, ऑप्टिक नर्व। और ये जो ऑप्टिक नर्व है ये कहाँ जाती है, ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, और वहाँ इम्पल्स के द्वारा जो इमेज होती है वो सीधी हो जाती है। क्लियर है ना। अब जनरल जो मैं आपको बता एक चीज़ और पूछ लेती कि अपने अंदर मनुष्य के अंदर कई बार होता है ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं जो एनसीईआरटी में भी नहीं होते, कि अपने मनुष्य में, बंदर में, यानी जिनका फेस सामने की तरफ है, आईज डॉर्सल सर्फेस पे ना, वो आईज कहाँ है, पास पास है डॉर्सल पार्ट में फेस के ऊपर की तरफ और बिल्कुल पास पास होते हैं, तो उनमें कैसा विजन होता है, वाइनोकुलर विजन, वाइनोकुलर विजन होता है। वाइनोकुलर विजन का मतलब क्या होता है, वाइनोकुलर विजन का मतलब होता है कि एक आंख से एक दिखता है ना, तो दो आंख से भी एक ही दिखता है, यानी कोई भी जो इंपल्स या आवेग आती है तो उनका जो फोकस होता है वो एक ही, दोनों आंखों का एक ही चीज पर होता है। तो वाइनोकुलर का मतलब एक आंख से एक, तो दो आंख से भी एक ही दिखेगा, जो किसके अंदर प्रेजेंट है, मनुष्य के अंदर प्रेजेंट है, ऐप है ना, बंदर, इनमें वाइनोकुलर विजन पाया जाता है। वाइनोकुलर विजन का मतलब होता है कि एक आंख से एक, तो दो आंख से भी एक ही दिखता है। क्यों, क्योंकि दोनों आईज जो होती हैं वो बिल्कुल पास पास होती हैं, इसलिए जो इमेज बनती है वो बिल्कुल कैसी बनती है, उनकी सेंटर में बन जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, मनुष्य खरगोश देखा ना आपने, उसके अंदर कौन सा विजन होता है, खरगोश के अंदर मोनोकुलर विजन होता है। खरगोश में कौन सा विजन होगा, मोनोकुलर विजन होता है। खरगोश में मोनोकुलर, मोनोकुलर क्यों बोलते हैं इसमें, क्योंकि आईज वर्ड्स के अंदर, रैबिट के अंदर, इनमें मोनोकुलर विजन होता है, क्योंकि उनकी आईज कहाँ होती है, एवीज है ना, उनमें उनकी आईज पास में लैटरल साइड में, खरगोश की आईज इधर इधर होती है ना, लैटरल साइड में, तो जिनकी आईज लैटरल में मैंने पार्स में होती है उनमें इस तरफ का अलग दिखता है और इस तरफ का अलग दिखता है, दोनों अलग अलग दिखते हैं, उसको बोलते हैं मोनोकुलर विजन। तो उनके अंदर मोनोकुलर विजन है, अपने में कौन सा विजन है, अपने में वाइनोकुलर विजन है। ह्यूमन बींग्स में और मंकी में ऐप, बांजी वगैरह जो होते हैं ना ऐप, उनमें कैसा होता है, ये अपने में बाइनोकुलर विजन होता है। क्लियर, तो ऐसी चीज़ें बाहर पूछ ली जाती हैं जो कि आपके एनसीईआरटी से कैसी होती हैं, बाहर होती हैं, तो इस टाइप का ये विजन होता है। तो आपको समझ में आया कि रेटिना, रेटिना ही न्यूरोसेंसरी होता है। न्यूरोसेंसरी क्यों, क्योंकि यहाँ पे नर्व है, यानी बाइपोलर नर्व है, मल्टीपोलर नर्व है, उनसे आपको सेंसर मिलता है, न्यूरो सेंसरी होती है। और जो ऑप्टिक नर्व जाती है वो कहाँ से जाती है, इस ब्लाइंड स्पॉट से जाती है, जहाँ पर कोई रॉड्स और कोन्स नहीं होते। ठीक है, और इधर जो लैटरल वाला साइड है इसको अपन क्या कहते हैं, येलो स्पॉट कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कोन्स होते हैं और सबसे स्पष्ट क्लियर इमेज ही यहीं बनती है। आगे सुनने, तो नेक्स्ट है ना, और ये आपको मालूम ही है बीच में कौन सा चैम्बर है, लेंस और रेटिना के बीच विट्रस चैम्बर। विट्रस चैम्बर में विट्रस ह्यूमर भरा रहता है, जेली लाइक होता है, लेंस का शेप देता है, और ये जो क्या नाम है, लेंस और कॉर्निया के बीच वाला एक्वस एंटीरियर चैम्बर होता है, जिसमें एक्वस ह्यूमर भरा रहता है, जो कि फ्लूड, वाटरी फ्लूड के रूप में प्रेजेंट होता है। क्लियर, ओके, थैंक यू।